वडोदरा जिला के डभोई नगर में रहती 72 वर्षीय महिला ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होने के बाद मृत्यु होते हुए परिवार द्वारा अंग दान का फैसला लेने के साथ आज मृतक महिला रमीला बेन के किडनी, लीवर और चक्षुदान के साथ तमाम ऑर्गन को सूरत ले जाया गया। अंग दान को महादान सार्थक करने के साथ और लोगों में इसकी जागरूकता लाने के भागरूप अब मृतकों का अंगदान करने की घटनाएं प्रकाश में आ रही है, जहां वडोदरा जिला के डभोई नगर में रहती 72 वर्षीय महिला रमीला बेन सलोट ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होने के बाद उन्हें वडोदरा के भाईलाल अमीन अस्पताल में भर्ती किया गया था। प्राइवेट अस्पताल में लगातार 5 दिनों की इलाजी प्रक्रिया के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा उनकी सघन इलाजी प्रक्रिया जारी की गई। ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनके दिमाग के ज्ञान तंतु पर इसकी गहरी असर हुई थी, जिसके लिए जटिल ब्रेन सर्जरी करवाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। डॉक्टर्स द्वारा इसकी तमाम जानकारी परिवार को देते हुए सर्जरी के बाद भी वे स्वस्थ हो गए या नहीं उसकी काफी कम संभावनाएं बताई गई थी। तो वहीं परिवार द्वारा इसकी जानकारी लेने के बाद अंग दान के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और रमीला बेन के पुत्र द्वारा अपनी माता रमीला बेन सलोट के अंगदान करने का फैसला लेते हुए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों को तत्काल रूप से बुलाया गया और अंगदान के बारे में संपूर्ण प्रक्रिया से माहितीगार करने के बाद आज तबीबों द्वारा मृतक महिला वैसी रमीला बेन सलोट के 2 किडनी, लीवर और चक्षुदान के साथ अंगदान करने का फैसला लेते हुए और अन्य 4 लोगों की जिंदगी बचाई गई, जहां 4 लोगों को नया जीवन दान देने के साथ आज जल्द सुबह रमीला बेन के लीवर, किडनी और चक्षु को ऑपरेशन करने के साथ बाहर निकालते हुए पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग और भी कड़ी बनाने के साथ सूरत शहर की किरण अस्पताल में भेजा गया, जहां रमीला बेन की आंखें वडोदरा की काशीबाई हॉस्पिटल में भेजे गए थे। इस संदर्भ में अस्पताल के डॉक्टर ने विशेष जानकारी दी थी। किस तरह का पेशेंट या किस बीमारी की कैसे और किस तरह से परिवारों को समझाया गया? मैं डॉक्टर सचिन जैन हूँ, हेड मेडिकल सर्विसेज भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल। सो ये जो रमीला बेन पेशेंट थे 73 ईयर्स ओल्ड, ये हमारे पास दो दिन पहले रात के समय एडमिट हुए थे। सुबह 10:30 बजे से इनको वीकनेस था, पैरालिसिस था लेफ्ट साइड का। हमारे पास आए थे, असेसमेंट पर हमने पाया कि इनको राइट MC और IC इन्फार्क्ट, जो दो बड़ी नसें होती हैं ब्रेन की, उसमें कम्प्लीट क्लॉट था। और एक तरीके से जो गोल्डन आवर हम लोग बोलते हैं, गोल्डन आवर मिस हो गया था। उसके बावजूद भी हम लोग जो सब इंटरवेंशन कर सकते थे, थ्रोम्बोलिसिस वगैरह हमने सब किया, वी ट्राइड आवर बेस्ट। पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रहे, बट ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बड़ा इन्फार्क्ट था, एज है, और फिर वो डायबिटिक हाइपरटेंसिव थे मैडम, और क्योंकि डिले हो चुका था, गोल्डन आवर में नहीं आए थे, और फिर किस्मत जो रहती है। सो जो एक्सपेक्टेड आउटकम था वो एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं था। फिर पेशेंट के रिलेटिव्स ही बहुत ज़्यादा जेनरस और ग्रेशियस थे, उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हमसे बात की, हमने उनको सारे डिटेल्स बताए, इसमें सोटो और नोटो और कोऑर्डिनेटर्स वगैरह भी सारे इन्वॉल्व हुए, जो सब जैसा लीगल पैरलेंस में होना चाहिए वो सब उनको समझाया गया। एंड देन दे डिसाइडेड कि भाई हमको डोनेट करना है ताकि उनकी मदर और उनकी जो वाइफ के ये है जो मेमोरी है वो हमेशा रहें। सो उस हिसाब से आज ये ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिट्रीवल की टीम आई थी। सो 2 किडनी, 2 कॉर्निया और 1 लीवर इनका हार्वेस्ट किया है, जिससे 5 लोगों को नई जिंदगी मिली। ये सूरत ग्लोबल हॉस्पिटल की टीम आई थी, सूरत से टीम आई थी। ये खैर सोटो और नोटो डिसाइड करता है कि टीम कैसे आती है, रिट्रीवल की टीम, जैसे हमारे भी सर्जन से जो रिट्रीवल में कई बार जाते हैं, सो ये लोग वो लोग ही डिसाइड करते हैं। और उनका जो सिस्टम है, जो कि काफ़ी रोबस्ट सिस्टम है, उसी सिस्टम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। बट सूरत गई है और डोनेशन जो है वो सूरत में हुआ है। मैसेज यही है कि चाहे मीडिया हो, चाहे स्कूल हो, चाहे एडमिन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जनरल हमारी पब्लिक हो, ऑर्गन डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेथ एक सबसे हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है, जो सबके पास आनी है, ख़त्म नहीं हो सकता ये कभी भी, हम कितने ही कोशिश कर लें। बट हाँ, अगर हम जाते जाते भी, जैसे रमीला बेन ने जाते जाते 5 लोगों को नई जिंदगी दी है, तो अगर हम सब इन सब चीज़ों में बढ़ के आगे आएँ, अभी जैसा मैं आज ही पढ़ रहा था कि इस वीक में 3रा ये है, सो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर वडोदरा एंड फॉर पीपल। जो लोग कई सालों से डायलिसिस पे हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं, जो सांस नहीं ले पा रहे हैं वेंटिलेटर पे, उनको ये नई जिंदगी देगी, ताकि, और ये मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है।